Pakistan has decided to join the club of nuclear powers. Our friends, while in the background, his supporters continued their demonstration. 1937 के अंदर इलेक्शन होते हैं जिसके अंदर मुस्लिम लीग उस तरह से अपने आप को सक्सेसफुल नहीं बना सकती जिस तरह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि अराउंड 485 सीट्स जो है वो मुस्लिम लीग के लिए रिजर्व की थी मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए, और उसके अंदर मुस्लिम लीग सिर्फ 108 सीटें जीत पाती है। और फिर कांग्रेस को मौका मिल जाता, कांग्रेस बोला देखा आप तो इंडिया के मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते ही नहीं, उन्होंने आपको वोट ही नहीं दी। क्योंकि कायदे आजम को तीन जगहों पर जंग लड़नी पड़ रही थी, एक जंग लड़नी पड़ रही थी ब्रिटिश से उनसे आज़ादी हासिल करने के लिए, दूसरी जंग लड़नी पड़ी हिंदुओं से भी आज़ादी हासिल करनी थी, और तीसरे नंबर पर मुसलमानों से भी आज़ादी हासिल करनी थी, क्योंकि कांग्रेस का इन्फ्लुएंस मुस्लिम पे भी इतना था कि मुस्लिम भी मुस्लिम लीग की तरफ नहीं जा रहे। लेकिन एक्चुअली के अंदर वो दूरंदेशी जो कायदे अजम मोहम्मद अली जिन्ना देख पा रहे थे वो नहीं देख पा रहे थे। तो इसलिए मैं यहाँ पर कहता हूँ कि कायदे अजम मोहम्मद अली जिन्ना को मुसलमानों को भी मुसलमानों से आज़ादी दिलानी थी। लेकिन 1937 से लेकर 1940 तक के कायदे अजम बिल्कुल गेम ही चेंज कर देते। कांग्रेस लीड कर रही थी, कायदे अजम फुल अपोजिशन के अंदर रह के उनको खूब वो कहते हैं कि भाई देखो ये भी तुम्हारे अगेंस्ट में, ये भी तुम्हारे अगेंस्ट में, तो मुसलमानों की बात समझ में आती रहती है कि भाई अब जो है ना वो तो सही जो रिप्रेजेंट कर रही है वो मुस्लिम लीग ही रिप्रेजेंट कर रही है, कांग्रेस हमें रिप्रेजेंट सही से कर नहीं रही। और होता ये कि 1940 के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा करते हैं और वहाँ पर ये करारदाद अपनी पेश करते हैं। गाइस हमने जो ये सुनी कि 1940 में करारदाद पाकिस्तान पेश हुई और उस दिन का पाकिस्तान बन गया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान बनना या नहीं बनना वो उस टाइम पे रूलिंग के हिसाब से ब्रिटिश के हाथ में था, तो ब्रिटिश ने थोड़ी एक्सेप्ट किया था उस करारदाद को कि हम पाकिस्तान, उस करारदाद को मुस्लिम लीग ने खुद ने एक्सेप्ट किया था, वो मुसलमानों से एक्सेप्ट किया, बहुत बड़ी तादाद में वो आए थे और वो इस बात पे मुत्तहिद हो गए थे कि भाई अब हमें एक अलहदा सेपरेट पाकिस्तान चाहिए, एक अलहदा मुल्क चाहिए, क्योंकि इससे पहले तो वो सिर्फ इख्तियारात के लिए लड़ रहे थे, लेकिन इस बार वो एक प्लेटफॉर्म पे आए थे कि अब हमको अलहदा खुद मुख्तार मुल्क चाहिए। पूरे मुल्क के अंदर मुस्लिम लीग के साथ जो है सारे मुसलमान खड़े हो जाते हैं। और 1946 के अंदर फिर दोबारा से इलेक्शन होता है जिसके अंदर तो पूरा गेम ही चेंज कर देते हैं कायदे आज़म के, अराउंड 425 सीटें ले जाते हैं। अब सोचें मतलब इतनी जहाँ 108 सीटों से उठकर 425 सीटें तक के ले जाते हैं, मतलब मैक्सिमम सीटें पूरी मुस्लिम लीग ले जाती है। और यहाँ पर फिर अब कांग्रेस के लिए कोई बात रहती नहीं है कहने के लिए। अच्छा, इस इलेक्शन जीतने के बाद तो बिल्कुल वाजह हो गई थी कि भाई ये मुस्लिम लीग जो है वो मुस्लिम लीग के साथ है और मुस्लिम लीग जो डिमांड कर रही है सेपरेट का उसको मानना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस इस बात को मान नहीं रही थी कि हम आपको अलहदा मुल्क नहीं दे सकते। अब पावर ट्रांसफ़र करना था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से छोड़ के जा रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पावर ट्रांसफ़र करना था इन दोनों नेशन के ऊपर, लेकिन ये चूँकि कांग्रेस बड़ी जमात थी और वो कांग्रेस जो है वो जा नहीं रही थी कि भाई ये अलहदा तो हो नहीं सकते। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दो तीन तरह के जो है वो चीज़ें पेश की, भाई ये कर लो ये कर लो, लेकिन कहीं पर भी बात बैठी नहीं। इस चक्कर में गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के दरमियान एक मीटिंग भी हुई, लेकिन गांधी जी मोहम्मद अली जिन्ना को इस बात पर कन्वेंस नहीं कर सके कि वो सेपरेट नेशन की बात मना कर दें, सेपरेट नेशन की बात से पीछे हट जाएं। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि कांग्रेस से पॉलिटिकली एक बहुत बड़ी गलती हुई कि जब अमेंडमेंट करवाना चाह रहे थे कायदे अजम मोहम्मद अली जिन्ना, उसमें एक बात यह भी थी कि सूबों को ज़्यादा खुद मुख्तियार बनाया जाए, यानी कि सूबों को ज़्यादा इख्तियार दिए जाएँ। मान लें कि देखें सूबे और सेंट्रल में क्या फ़र्क होता है, वफाक में क्या चीज़ है चैप्टर, मिसाल के तौर पर पुलिस आपके सूबे के दरमियान आती है, लेकिन अगर रेलवे क्या होता है कि रेलवे तो पूरे चलेगा आपके इस्लामाबाद रावलपिंडी वहाँ से चलेगा सिंध में आएगा, तो रेलवे की तो पटरी तो वही होती है, तो वो चूँकि वफाक के एंड में चलती है, इस तरह के कई मामलात होते हैं। लेकिन यहाँ पर कायदे आज़म का मुद्दा ये था कि अगर किसी मामलात में वफाक और सूबे एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आते तो सूबे के पास ज़्यादा इख्तियार हो कि जो सूबा फैसला करेगी वही इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर गांधी जी जो है वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं, ना अम्बेडकर साहब इस बात को समझ पाते हैं कि भाई हमको सूबों को ज़्यादा इख्तियार देने हैं, वो इस बात पर ठान लेते हैं, क्योंकि उस वक्त तक कोई सेपरेट नेशन की डिमांड तो होती नहीं है उस टाइम पर, तो सिर्फ होती है कि भाई हमको इख्तियार दिए जाएँ। लेकिन ये जब इख्तियार नहीं मिलते हैं तो फिर ये इख्तियार से ऊपर बढ़ कर फिर आगे सेपरेट नेशन के ऊपर डिमांड पे चली जाती है। मैं समझता हूँ कांग्रेस से यहाँ पर एक बहुत बड़ी पॉलिटिकली गलती होती है कि अगर वो ये चाहते थे कि मुस्लिम अलहदा ना हो तो उनको यहाँ पर मुसलमानों को इख्तियार देने चाहिए। अच्छा, 1946 से पहले के बीच में कई सालों में तकरीबन 88 राइट्स होते हैं, बड़े बड़े राइट्स जो कि मुस्लिम और हिंदू के बीच में हो जाते हैं, कभी बिहार में हो रहा है, कभी बंगाल में, तो बंगाल में तो खैर बहुत ज़्यादा हुए, कलकत्ता में, ढाका में, दीगर जगहों पर,
बहरहाल पूरे इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं तकरीबन कुल मिला के 88 राइट्स होते हैं हिंदू और मुस्लिम के बीच के अंदर, और ये बात वाजे तौर पर चल चुकी होती है कि भाई अब ये लोग एक साथ नहीं रहना चाहते, क्योंकि अब इन दोनों का चैप्टर अलग अलग होता है। पहले एक साथ रहे, एक दूसरे को बर्दाश्त किए, लेकिन अब एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अच्छा, 1946 के इलेक्शन के बाद जब ये वजाहत हो गई कि भाई मुसलमान एक सेपरेट नेशन चाहते हैं, मुसलमान मुस्लिम लीग की तरफ हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस बोले थे नहीं हम ये नहीं होने देंगे, तो यहाँ पर कायदे आजम एक बहुत बड़ा एक्शन लेते हैं, इसको कहते हैं दी एक्शन डे। अब यहाँ पर होता है कि एक्शन डे के अंदर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि भाई अगर हमारी ये बात नहीं मानी गई तो मैं फिर एक्शन लूँगा। कायदे आजम एक्शन डे का अनाउंस कर देते हैं, और फिर होता ये कि ग्रुप पे ग्रुप बना बना जगहों जगहों पे हमले होते हैं, बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है ना वो हिंदुओं को बहुत ज़्यादा मारा जाता है, जिसका मैं खुद भी उसका कायल नहीं हूँ कि किसी भी इंसान को नहीं उस पर होना चाहिए, लेकिन काश ये मामलात नहीं होते, ना कि राइट्स होते, ना कि इस तरह के मामलात होते और इन चीज़ों को मान लिया जाता कि भाई ये चीज़ें होनी हैं, तो इनको सेपरेट नेशन बिना इस एक्शन डे के अनाउंस कर देना चाहिए था। लेकिन होता ये कि अब इस राइट्स के बाद फिर गांधी जी मान जाते हैं, गांधी जी बोलते हैं भाई ठीक है और वायलेंस नहीं चाहिए, हम आपके सेपरेट नेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लिए तो माउंट बेंटन एक प्लान बनाते हैं, माउंट बेंटन बोलते हैं कि भाई जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी एरियाज हैं, जहाँ के भी जो भी रूलिंग एरियाज हैं, वहाँ पर अगर जो भी जाना चाहता है हिंदुस्तान की तरफ, हिंदुस्तान से जुड़ना चाहता है, इंडिया से जुड़ना चाहता है, वो इंडिया से जुड़ जाए, और जो पाकिस्तान से जुड़ना चाहता है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ जाए, उसके लिए एक फॉर्म होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना होता है कि भाई आपकी रियासत जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ गई है और आपकी रियासत जो है इंडिया के साथ जुड़ गई है। तो ज़्यादातर रियासतें तो इंडिया के साथ जुड़ जाती हैं, क्योंकि इसमें वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा किरदार होता है, ये सबको जाके कन्विंस कर देते हैं कि भाई आपने जो है इंडिया के साथ जुड़ना है, इंडिया के साथ जुड़ना है। लेकिन चूंकि मुस्लिम अक्सरियत ही जो दो साइडों पर थी, एक ईस्टर्न साइड पर एक वेस्टर्न साइड, इसलिए पाकिस्तान दो कंट्रीज़ के अंदर बनता है। अब यहाँ पर सारी स्टेट्स मान जाती है सिवाय तीन स्टेट्स के। तीन स्टेट्स में होता है कि हैदराबाद दक्कन के जो बादशाह साहब होते हैं, बोला कि भाई ये मेरी मर्ज़ी है, मैं अलहदा रहना चाहता हूँ, किसी के साथ नहीं जुड़ूंगा। क्योंकि माउंट बेंटन ने ये बात कही थी भाई आपकी अपनी मर्ज़ी कि आप इंडिया के साथ जाएँ, पाकिस्तान के साथ जाएँ, या आप अपने अलहदा रहना चाहते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो उसने बोला कि भाई ये मेरी मर्ज़ी, मैं अलहदा रहना चाहता हूँ, किसी के साथ नहीं जुड़ूंगा। और दूसरा मुद्दा आता है कश्मीर के ऊपर। कश्मीर में मसला ये होता है कि कश्मीर के जो रूलर होते हैं वो होते हैं नॉन मुस्लिम, और जो आबादी जो ज़्यादा होती है वो होती है मुस्लिम। अच्छा, कश्मीर वाला ड्रामा करता है, कश्मीर वाला ये बोलता है, उसके भी दिमाग में होता है कि ना इधर जाना ना उधर जाना, अपनी सल्तनत को कायम रखना। उसके सल्तनत की वीडियो गाइस आप इंटरनेट पर देख सकते हैं, यूट्यूब में अभी भी मौजूद है, वो किस तरह से वो बादशाह साहब अपने ज़िंदगी को गुजारा करते थे। बहरहाल होता है कि वो ना लेट करते हैं, लेट करते हैं, यहाँ पर टाइम निकल रहा होता है, टाइम निकल रहा होता है, ये बोलते हैं इंडिया वाले बोलते हैं भाई हमारे साथ करो, वो पाकिस्तान वाले बोलते हैं भाई हमारे साथ करो, और वो किसी के साथ नहीं कर रहा होता। इसके बीच से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक और स्टेट है जो तीसरी स्टेट है, वो है जूनागढ़ की स्टेट। जूनागढ़ में भी सेम मामला होता है कि उसके अंदर सुबह इस तरह से 1947 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। मैं यहाँ पर कुछ मिसकॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत से लोग ये समझते हैं कि ब्रिटिश का जो वायसराय था उसने पाकिस्तान से भी बोला और इंडिया से भी बोला कि भाई मुझे जो है गवर्नर जनरल बना दो, पाकिस्तान ने मना कर दिया, इंडिया ने बना दिया, इसलिए ज़्यादा रकबा उनके एरिया में चला गया। ये मिसकॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल गलत बात है। जब आप उसका ये अमल देखते हैं कि क्योंकि ब्रिटिश का वायसराय यहाँ पर आया था इंडिया की फरमान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, बरतानिया के फरमान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो यहाँ पर कुछ भी अपने पास से नहीं कर सकता था, सिर्फ जो फैसला होता उसने उसको इम्प्लीमेंट कराना था। फैसला ये था कि भाई जो जो रियासतें या जो जो भी एरियाज हैं वो जिस मुल्क के साथ जाना चाहते हैं, उसके साथ एनेक्स करना चाहते हैं, वो कर लें, उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना है, तो मैप बनाना उसके हाथ में था नहीं। दूसरी चीज़ें ये है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि यार वहाँ पर हमारी मेजोरिटी ज़्यादा थी, यहाँ पर हमारी मेजोरिटी ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो कायदे मोहम्मद अली जिन्ना को ये जगह नहीं मिली, जबकि ऐसा नहीं है। जहाँ पर भी मेजोरिटी हम लोगों की ज़्यादा थी, जहाँ पर एक्चुअली आपको लग रहा होगा आप उस एरिया में रहते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ मेजोरिटी ज़्यादा थी हमारी, वहाँ पर मुस्लिम लीग ने बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट किया। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोग जो है वो इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, हमें ये पता है हमने आज़ादी हासिल की, बहुत कुर्बानी, लेकिन कुर्बानी एक्चुअली क्या थी, मतलब ज़्यादातर जो है वो हिंदू और मुसलमान ने मिलकर अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल करने पर थी, लेकिन जो पाकिस्तान बनने के लिए जो माइंड ब्लोइंग इम्प्लीमेंटेशन जो कादर मोहम्मद अली जिन्ना ने कराई, ये बिल्कुल नाकाबिले बयान है गाइस। ये जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं ना, जुदा गाना इंतखाबात का तरीका है, कार निकालना, दूसरे इम्प्लीमेंटेशन करवाना, वन थर्ड मेजोरिटी मांगना, फिर सूबों की बात करना, ये बहुत ही एक स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस होता है। ये बहुत ही टेक्निकली चीज़ें हैं जो कि सिर्फ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ही शायद कर सकते थे। यही वजह कि ये बात मशहूर होती थी कि अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नहीं होते
तो शायद पाकिस्तान नहीं बनता। तो इवन कि इस गोरे ने भी ये बात की थी कि भाई अगर गांधी और जवाहरलाल नेहरू और दिगर लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते कायदे आज़म की जगह तो भी ये पाकिस्तान नहीं बना सकते थे। ये सिर्फ कायदे आज़म का ही काम है जो पाकिस्तान बना दिया, क्योंकि कायदे आज़म एक माहिर कानूनदान थे और उन्होंने बहुत दूर से स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट किया है, पाँव बढ़ाए हैं आगे, अपने लोगों को इकट्ठा किया और यहाँ तक कि वो इम्प्लीमेंट कर पाए। बहरहाल मैं आप सबको जैसे आज़ादी की मुबारकबाद देना चाहता हूँ, चूँकि अभी गुजर चुकी है लेकिन फिर भी टॉपिक यही चल रहा है, तो मेरी तरफ से सबको जश्न आज़ादी की मुबारक।